Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your inspirational words. Now I request Rakesh sir to say a few words. मैं धन्यवाद करता हूँ बहुत ही बड़ी बड़ी डिग्निस जो हमारे इस मंच पर आए हैं. बहन पूनम जी ने ठीक कहा कि 23 साल की उस उम्र में दोस्तों ऋतिक जी ने जब अपनी बाइट दी तो मुझे कम से कम 10,000 लोगों के कमेंट्स आए कि यार फिल्म इंडस्ट्री वाले इतना लाइक करते हैं. और जब राकेश रोशन जी की बाइट आई कि मैं सैल्यूट करने के लिए आ रहा हूँ तो लोगों को लगा कि आज भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग प्यार से इज्जत करते हैं उन शहीदों की. मैं बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. बाबा जी आपने इस काम को मुंबई में जो अंजाम दिया है ये मेरी सोच थी एक साल पहले. साटन जी मैं आपको एक साल पहले मिला था. उल्का जी ने जब शहीदी दिवस मनाया था उल्का नायर जी ने ये खड़ी हैं हमारी बॉम्बे की प्रेसिडेंट. मैं धन्य समझता हूँ ऐसी बहन को जिन्होंने समाज का बीड़ा उठाया अपने काम में से समय निकाल कर. दोस्तों बातें करनी बहुत आसान है पैसा कमाना बहुत आसान है लेकिन इस मुल्क के लिए अपने आप को अपने बच्चों को शहीद करवाना ये हर किसी के बस का नहीं है. तो थोड़ा साउंड उठाओ इसका इको देखे. मैं राकेश जी का ऋतिक जी का पूनम जी का साटन जी का धन्यवाद शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से फाउंडेशन की तरफ से बाबा साहब की सारी टीम जिन लोगों मुझे नहीं अच्छा अच्छा देखते ऋतिक जी गा सकते हैं. मेरा रंग दे बसंती चोला वे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला चोला भाई रंग दे बसंती चोला मेरे रंग दे बसंती मेरा रंग दे बसंती चोला वे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला. बहुत बहुत धन्यवाद उस शहीद को याद करने के लिए. और अब मैं निवेदन करता हूँ उल्का जी को कि मंच पर आकर सबसे पहले वो श्री राकेश रोशन जी को खोलो ना महाराज श्री साहब खोलो एक कृपा नोट लेके आओ जी ऋतिक जी के लिए. अब तो बोल दो भारत माता की भारत माता की. आप मैं निवेदन करता हूं योगेश लगानी जी और लखानी जी और संजीव जी एक मंच पे आ जाएं. बहुत बहुत लेडीज एंड जेंटलमैन ब्राइट आउटडोर मीडिया से योगेश लखानी जी का भी स्वागत करते हुए हमारे